Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss MCQ of our chapter, and that is solid, liquid and gases. Okay? इसके पहले वाले क्लास में हमने इस चैप्टर को आई थिंक दो लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया है, और आज के क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सॉलिड लिक्विड, हमारा चैप्टर का हेडिंग क्या है? सॉलिड लिक्विड एंड गैस. प्रीवियस दो क्लासेस में हमने इसको पार्ट वन और पार्ट टू करके हमने इसको कंप्लीट कर दिया, और आज के क्लास में इससे रिलेटेड जो MCQs है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चंस वी हैव, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? मैटर्स के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? नो मास बट ऑक्यूपाइज स्पेस, मास बट ऑक्यूपाइज नो स्पेस, मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, नो मास एंड ऑक्यूपाइज नो स्पेस. मैटर का क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? क्या इनके पास मास नहीं होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? क्या इनके पास मास भी होता है और स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं? क्या ये मास और स्पेस दोनों को ऑक्यूपाई करते हैं, या फिर मास और स्पेस दोनों में से किसी भी चीज को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं? ओके, तो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था वहीं पे हमने इस चीज को देखा था. वहां पे हमने देखा था कि मैटर ऐसे एनीथिंग जो जिसके पास मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मैटर बोलते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, इसके पास मास भी होता है और ये स्पेस भी आपका ऑक्यूपाई करते हैं. ओके, नाउ वी हैव अ सेकेंड क्वेश्चन. Which one is not a property of fluid? इसमें से क्या आपका fluid का properties नहीं होता है? It can flow, fluid का properties होता है भाई, वो flow करता है. It has mass, mass भी होता है. It has a definite shape. और last option क्या दिया है? We can see it. यहाँ पे हमसे questions पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे question क्या पूछ रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है जो कि फ्लूड शो नहीं करता. तो क्या ये फ्लो करता है? ऑफ कोर्स फ्लूड आपका फ्लो करते हैं. क्या इसके पास मास होते हैं? तो हाँ, इनके पास मास भी होता है. इसके पास डिफिनिट शेप भी होता है, और इसे हम लोग इसके पास डिफिनिट शेप नहीं होता, इसके पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है, बट इसके पास अनडिफिनिट शेप होता है. तो यही एक प्रॉपर्टी है जो कि ये फॉलो नहीं करता है. इसको जिस शेप में आप डालो, अगर कोई बोतल लो, अगर वो सर्कुलर शेप में है, सर्कुलर शेप में फ्लूड को डालो तो वो सर्कुलर शेप ले लेता है. रेक्टेंगुलर शेप में अगर उसको रेक्टेंगुलर शेप में आप डालो तो वो रेक्टेंगुलर शेप ले लेता है. ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा इट हैज अ डिफिनिट शेप. यही एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो कि आपका फ्लूड जो होता है वो शो नहीं करता है. ओके, नाउ वी हैव अ थर्ड क्वेश्चन. देर आर स्टेट्स ऑफ मैटर, 6, 3, 2, 6, 3, 2, 5. कितने मैटर के कितने सारे स्टेट होते हैं? 6, 3, 2, 5. तो मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. मैटर का कितना स्टेट होता है? मैटर का आपका 3 स्टेट होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और गैस. ओके, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर स्टेशनरी, वाइब्रेटिंग इन वन पोजिशन, इन कंटिन्यूअस मोशन, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस.
ये चीज आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, लेकिन ये बेसिक है, और क्लास नाइन्थ में आप जाओगे तब वहाँ पे क्लास नाइन में क्लास एट में भी आप बेसिस देखोगे, ठीक है। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो स्टेशनरी फिक्स नहीं होते हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, वो अपने पोजिशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैटर्स के पार्टिकल आपका स्टेशनरी रहता है, नहीं रहता है भाई, कंटिन्यूस मोशन में रहता है, नहीं रहता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहता है, तो अपने एक्सिस पे वाइब्रेट करते रहता है, ओके। तो व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज वाइब्रेटिंग इन अ वन पोजीशन। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ओड वन आउट, ठीक है। ओड ब्रेक बुक मिल्क, तो वुड भी हमारा क्या है? वुड भी हमारा सॉलिड है, ओके। ब्रिक भी हमारा क्या है? ये भी हमारा सॉलिड है। बुक क्या है? ये भी सॉलिड है, ओके। मिल्क क्या है? तो ये हमारा लिक्विड होता है। मिल्क क्या होते हैं? तो मिल्क हमारे लिक्विड होते हैं, तो यही इसमें ऑड है। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर डी होगा, क्योंकि ऊपर के ये जो तीन आपका ओड ब्रिक बुक, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मिल्क हमारा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। दैट्स वाई हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर डी होगा, दैट इज मिल्क। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फ्लोइंग द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, इनमें से किस में मॉलिक्यूल्स आपका एकदम एक दूसरे से टाइटली पैक्ड रहते हैं? ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स, वायल का, टेलीविजन का, या फिर सबका? तो हमने जब ये चैप्टर पर ना स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे हमने देखा था कि सॉलिड चीज़ों के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड का थोड़ा सा उससे लाइटर पैक्ड होते हैं, और गैसेस का तो एकदम रैंडम होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है? गैसेस है, तो इनके मॉलिक्यूल्स आपका टाइटली पैक्ड नहीं होता है। वायल्स का भी आपका उतना टाइटली पैक्ड नहीं होता है जितना ये टेलीविजन जो कि सॉलिड है उसका टाइटली पैक्ड होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सी होगा, दैट इज टेलीविजन, ओके। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following reaction is depicted in the following figures? Water rise in temperature, water vapor evaporate होके जाएगा। तो इसमें से ये figure में कौन सा process चल रहा है? Water temperature rise हो रहा है, water vapor तो जा रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे बादल कंडेंस होके कंडेंसेशन एज ए रैन आ रहा है, तो इवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एज ए रैन कंडेंस होके आ रहा है, तो प्रेसिपिटेशन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, और वहाँ पे कोल्ड होने की वजह से कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, वेपर वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो रहा है, फिर ये वाटर ड्रॉपलेट एज अरैन आपके ग्राउंड पे फल कर रहा है, वाटर रिजर्वर में आके मिल रहा है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो इस फिगर में आपको आप लोग प्रेसिपिटेशन ही डिपिक्ट कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर सी होगा, ओके। Which process is the opposite of evaporation? Evaporation का opposite process कौन होता है? Melting, freezing, condensation, boiling, condensation. Water change into a water vapor is known as a evaporation, okay? And water vapor is changed into a water is known as a condensation. तो water
इवेपोरेशन का अपोजिट प्रोसेस हमारा क्या होता है? इसका अपोजिट प्रोसेस होता है हमारा कंडेंसेशन. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द ऑड वन. लेमन जूस, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क शेक, आइसक्रीम. लेमन जूस हमारा क्या है? कोल्ड ड्रिंक, मिल्क शेक, आइसक्रीम. लेमन जूस हमारा लिक्विड ही है, लिक्विड है ना. कोल्ड ड्रिंक भी हमारा क्या है? कोल्ड ड्रिंक भी हमारा लिक्विड है. मिल्क शेक हमारा, ये भी हमारा लिक्विड है. आइसक्रीम हमारा सॉलिड है. ठीक है, तो इसमें तीनों ऊपर के ऑप्शन हमारे लिक्विड है, लेकिन हमारा जो आइसक्रीम है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. करता है ना, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट. इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर डी होगा. ओके, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. इसमें से कौन, ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है उसमें से कौन सॉलिड है? लीव्स, फ्लावर, एप्पल, ऑल ऑफ दिस. तो लीव्स भी हमारा सॉलिड है, फ्लावर भी सॉलिड है, एप्पल भी सॉलिड है. इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस. ओके, क्योंकि लीव्स भी क्या है? लीव्स भी सॉलिड है, फ्लावर भी सॉलिड है, एप्पल भी सॉलिड है. तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस. और क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन से मैटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो तीनों यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी डी, एंड दैट इज ऑल ऑफ दिस. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 11. द प्रोसेस बाय विच वेट क्लॉट्स ड्राई ऑफ इज कॉल्ड. वो प्रोसेस जिसके थ्रू आपका भींगा हुआ कपड़ा सूख जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन. तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका भीगा हुआ कपड़ा भी सूख जाता है. क्योंकि कपड़ा भीगता क्यों, कैसे है? वाटर जब वो एब्जॉर्ब करता है और वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके ऊपर की तरफ चला जाता है, तो हमारा जो कपड़ा होता है वो सूख जाता है. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ए, एंड दैट इज इवेपोरेशन. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज इन. इसमें से कौन ऐसा मैटर है जिसको आप अगर किसी भी कंटेनर में डालो तो उस कंटेनर का शेप नहीं लेता, उसका खुद का डिफिनिट शेप होता है? अ पेन, वाल, वाटर. पेन, वाल, वाटर, नॉन ऑफ दिस. पेन सॉलिड है, इसका डिफिनेट शेप होता है, इसको किसी भी कंटेनर में आप डालो उसी कंटेनर का शेप लेता है ना. तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? सॉलिड है तो इसका एक डिफिनेट शेप होता है, इसको किसी भी कंटेनर में डालो ये अपना ही शेप रखता है, ये कंटेनर का शेप नहीं लेता है. दस वायर करेक्ट आंसर विल बी ए. जबकि ऑयल, वाटर ये सारे लिक्विड है और इसको आप जैसे कंटेनर में डालोगे ना, सेम उसी कंटेनर का ये लोग सेप ले लेते हैं. ओके,
Now we have a question number 13. Have a definite volume but not definite shape. इनके पास definite volume होता है लेकिन definite shape नहीं होता. Solid, liquid, gas. तो हमने जब liquid के बारे में पढ़ना start किया था वहाँ पे हमने देखा था कि liquid के पास definite volume होता है. एक liter दूध को आप किसी भी container में डालोगे एक liter ही रहेगा. लेकिन जिस कंटेनर में डाल दोगे उसी कंटेनर का शेप ले लेता है. डिफिनिट वॉल्यूम होता है बट डिफिनिट शेप नहीं होता. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट स्टेट ऑफ मैटर इज द इजिएस्ट टू कंप्रेस. कौन से मैटर को हम लोग इजिली कंप्रेस कर लेते हैं, सॉलिड को, लिक्विड को, गैसेस को या इनमें से सभी को. तो सॉलिड को हम लोग इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजली ऐसे पैक्ड रहते हैं. लिक्विड को भी उसको, गैसेस को हम लोग इजिली, बहुत ज़्यादा कंप्रेसेबल नेचर शो करता है. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 15. Which of the flowing is are in a liquid state normally? इनमें से कौन liquid state में normally liquid state में रहता है. Water, petrol, mercury, all of these. तो water भी हमारा normal temperature पे liquid के form में ही रहता है, petrol भी liquid form में ही रहता है और mercury भी हमारा room temperature में liquid form में ही रहता है. यानी water, petrol, mercury ये तीनों चीज़ आपका room temperature पे liquid form में ही रहते हैं. इस वजह से हमारा answer क्या होगा, हमारा answer होगा D, that is all of these. Okay? Now we have a question number 16. Matter is made up of tiny particles called molecules, grain, pieces, gases. Matter आपका छोटे छोटे particles से मिलके बना हुआ होता है और उस particles को हम लोग क्या बोलते हैं, molecules बोलते हैं, grains बोलते हैं, pieces बोलते हैं या फिर gases बोलते हैं. तो molecules, एटम, मॉलिक्यूल, छोटे छोटे पार्टिकल है जिनसे मिलके हमारा मैटर बना हुआ होता है. तो अभी तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन डिस्कस किया, अभी तक हम लोगों ने 16 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया और आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो 16 हमने कर लिया और 9 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है अभी. नाउ वी हैव अ 17 questions. Ice needs to convert into a water. Bucket, heat, steam, none of these. तो heat. Answer क्या होगा, इसका heat होगा क्योंकि ice को जब आप heat provide करते हो तो वो क्या करना, melt करना start हो जाता है, water में convert करना start हो जाता है. जब उसको आप freezing point पे लेके जाओगे water को तो वो आपके solid form में exist करना start कर देता है. Okay? तो अब हम लोग और 4 question और 8 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद से हमारा आज का सेशन एंड हो जाएगा. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 18. बटर केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर इज सॉलिड, लिक्विड, गैस या नॉन ऑफ दीज. बटर को जब हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है या फिर नॉन ऑफ दीज, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में. सॉरी, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 19. एज अ नाइदर शेप नॉर अ वॉल्यूम. किसके पास ना ही डिफिनिट शेप होता और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम, तो वो होता है हमारा गैस. क्योंकि सॉलिड के पास डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम दोनों होता है. लिक्विड के पास डिफिनिट शेप नहीं होता है बट डिफिनिट वॉल्यूम होता है. गैस के पास ना डिफिनिट शेप होता है और ना डिफिनिट वॉल्यूम होता है. और यही यहाँ पे क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है कि किसके पास ना ही डिफिनिट शेप होता और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम, तो गैसेस के पास. ओके, नाउ वी हैव अ
क्वेश्चन नंबर 20, रॉक्स आर द फॉर्म ऑफ मैटर, सॉलिड रॉक्स, लिक्विड, गैसेस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, बोथ ए एंड बी, रॉक्स किस फॉर्म के मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस या फिर दोनों? तो रॉक आपका सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर है। When describing the color, size, shape or smell of an object, we are describing the, जब हम लोग color, size, shape और किसी भी object के smell को describe करते हैं तो हम उसकी किस चीज़ को describe करते हैं, properties of matter, state of matter, volume of matter या फिर mass of matter? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के कलर के बारे में, साइज के बारे में, उसके स्मेल के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 22। स्पेसशिप केसेस टू बी मैच ऑफ एन इट इन स्पेस बिकॉज इट हैज नो वेट। स्पेसशिप कैशेस टू बी मैच ऑफ वैन इट हैज स्पेस बिकॉज इट हैज नो वेट, क्योंकि वहाँ पे मास ऑफ ग्रेविटीज नहीं होता है और वेट क्या होता है आपका, मास इन टू ग्रेविटी। ट्रू, वैसे हमारे सिलेबस नहीं है लेकिन फिर भी। Now we have a question number 23. During which state will the shape of the matter take on the shape of the area container? कौन से मैटर आपका जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो लिक्विड, क्योंकि लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। ओके, Now we are just going to discuss question number 24. The conversion of matter from solid state to liquid state is called matter का conversion solid से liquid state में, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, evaporation, melting, condensation या freezing? मैटर को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्टिंग प्रोसेस में आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कौन से प्रोसेस में, मेल्टिंग में। फ्रीजिंग में आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 25। During summer, water kept in an earthen pot becomes cool because of the phenomena of, अगर आप गर्मी में पानी को घड़ा में रखोगे तो वो ठंडा हो जाता है, किसके वजह से, diffusion, transpiration, osmosis या फिर evaporation? Evaporation class 9 में जाओगे तो आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। जैसे आप वाटर डालते हो तो वाटर क्या करता है कि घड़ा के आसपास वाला जो हीट होता है उसको एब्जॉर्ब करके और वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, तो वहाँ से हीट गायब हो जाता है तो पानी आपका ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा इवेपोरेशन। ओके, सो आज हम लोगों ने इस चैप्टर से लगभग सारे MCQs डिस्कस कर लिए, बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर था और इसमें हम लोग 25 से ज़्यादा MCQs को कवर नहीं कर सकते थे, जितने भी MCQs इस क्वेश्चन से अराइज हो सकता वो सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो फाइनली आज हमारा चैप्टर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ख़त्म हुआ। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।